प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा एवं लिंग संबंधी मुद्दे के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, हमें विद्यालय की क्यों आवश्यकता पड़ी तथा इसका क्या महत्व है। समय के साथ जिस प्रकार बदलाव होता है हमारी संस्कृति तथा हमारी वास्तविक जीवन शैली में भी बदलाव होता है। समय के साथ साथ प्रत्येक चीज की प्रकृति में भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, इस प्रकार आज हम प्यारे विद्यार्थियों जिस चीज के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है विद्यालय, विद्याधनालय, विद्या जहाँ प्राप्त होती है, ऐसा सरस्वती का मंदिर जहाँ पर जाने के बाद बालक का सर्वांगीण विकास होता है तथा बालक प्रत्येक कार्य सीखने की जिज्ञासा और इच्छा रखता है और गुरुजनों के माध्यम से सिखाया और सीखा जाता है। विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या बिना विद्यालय हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, अगर बिना विद्यालय हम शिक्षा प्राप्त करते तो शिक्षा किस प्रकार की होती, और विद्यालय में जा कर के या जिस प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल में जा कर के गुरु के सान्निध्य या आश्रम में रह कर के जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी वह एक विद्यालय होता था। आज के इस दौर में विद्यालय के विभिन्न रूप और प्रकार सामने आ रहे हैं। प्राचीन समय में एक दूरस्थ स्थान किसी जंगल या फिर साधु महात्मा संत के यहाँ बड़े बड़े गुरुओं के वहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करनी होती थी और बालक जब तक विद्या अध्ययन करता था तब तक वहीं रहता था। बालक की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि बालक का जीवन वहीं व्यतीत होता था और बालक कई समय तक एक निश्चित अवधि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुनः वापस घर में लौटता था। वो एक विशेष प्रकार का चार आश्रमों से एक आश्रम होता था। विद्या अध्ययन करने की उम्र 1 से 25 वर्ष की होती थी और 25 से 50 वर्ष की उम्र में गृहस्थ आश्रम कहते थे, और जब विद्या अध्ययन प्राप्त कर लेता तब वापस एक विशेष प्रकार के गुरु के संस्कार के माध्यम से घर की ओर प्रस्थान करता था, जिसका उद्देश्य ये होता था कि जिस विद्या या शिक्षा को उसने प्राप्त किया है वो समाज और साथ ही साथ घर परिवार के लिए उसका उपयोग किस प्रकार करता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस विद्यालय की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में धीरे धीरे जिस समय बालकों में समझ विकसित करने तथा हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान देने तथा प्राचीन आवश्यकताओं और आधुनिक जीवन शैली की आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ी। देखिए, प्राचीन काल में विद्यालय का इतना महत्व नहीं था जितना आज के वर्तमान समय में है। विद्यालय वह अध्ययन केंद्र होता है जिसमें बालक का नैतिक तथा उसके साथ साथ चारित्रिक गुणों का विकास होता है, जिसमें शिक्षार्थी के साथ शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक बालक को जिस रूप में शिक्षा देता है तथा जैसी शिक्षा प्रदान करता है वैसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद समाज में या फिर उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जीवन में किस प्रकार उतारता है वही विद्यालय की दी हुई शिक्षा होती है। आज के समय में विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार के टेक्निक पाठ्यक्रम से संबंधित, शैक्षणिक पाठ्यक्रम से संबंधित, नैतिक शिक्षा से संबंधित, साथ ही साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा दी जाती है। अब शिक्षा के माध्यम से जितनी भी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है उतनी ही आज के समय में कम है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है और सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली और निरंतर चलने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसका उपयोग आज हम अपनी जीवन शैली में करते हैं। अब विद्यालय के बारे में विभिन्न विद्वानों ने जिस प्रकार परिभाषाएं दी है उसमें से एक प्रसिद्ध विचारक रहे जिसका नाम है बालकृष्ण जी जोशी। बालकृष्ण जोशी ने विद्यालय के बारे में एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने विद्यालय के बारे में ये बताया कि
विद्यालय किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालय और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। हाँ विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब जिस विचारक ने ये परिभाषा दी है कि किसी भी देश का विकास या देश का निर्माण सिर्फ किसी संसद, न्यायालय या विधान परिषदों में नहीं होता है, बल्कि ये उस स्थान पर होता है जिस स्थान पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, अर्थात देश का विकास, देश में विकास करने की पीढ़ी तथा देश में उस विकास को देखने के लिए हमें विद्यालय में जाना बहुत ही जरूरी है। ये परिभाषा दी है हमारे प्रसिद्ध विचारक बालकृष्ण जोशी ने। विद्यालय ही ऐसी झूरी है जिसके अंदर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं विद्यालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मोटे तौर पे आपने देखा होगा विद्यालय का बहुत सारा महत्व है, विद्यालय का बहुत सारा महत्व है जिसकी कल्पना ही नहीं की जाती। विद्यालय में ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के युवा पीढ़ी का निर्माण करते हैं, विद्यालय में ही व्यक्ति को कई चीजें सीखने को मिलती है, विद्यालय में ही व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास होता है, विद्यालय ही व्यक्ति अर्थात बालक को पशु से मानव बनाता है। तो स्पष्ट बात है कि विद्यालय के माध्यम से कौन कौन से जीवन में सुधार होते हैं तथा विद्यालय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बिना विद्यालय के हमारा जीवन कैसा होता, मात्र पशुवत जीवन होता और व्यक्ति पशुओं की तरह इधर उधर घूमता फिरता। जब तक विद्यालय की महत्व और गरिमा को नहीं समझते तब तक विद्यालय के बारे में अपन नहीं जान। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारे जीवन में विद्यालय का क्या महत्व रहा है, विद्यालय का महत्व क्या है और इसको समझने की क्यों आवश्यकता है। विद्यालय का महत्व, विद्यालय के महत्व को अपन 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय का आखिर क्या महत्व है। विद्यालय सांस्कृतिक विरासत होती है। देखिए विद्यार्थियों, विद्यालय को सांस्कृतिक विरासत कहा गया है। विरासत, यह एक ऐसी विरासत है, ऐसी धरोहर है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बालक पढ़ते रहते हैं, विद्यालय उसी स्थान पर रहता है, शिक्षक बदलते रहते हैं, बच्चे उसके अंदर आते जाते रहते हैं। साथ ही साथ ये प्रक्रिया जीवन भर लंबे समय तक सतत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में चलती रहती है। विद्यार्थी एक निश्चित समय सीमा के भीतर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं और विद्यालय में शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। ये प्रक्रिया हर दौर में चलती रहती है। विद्यालय एक स्थायी संस्था है जो हमेशा स्थायित्व को बनाए रखती है और बनाए रखना भी उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय जब तक एक स्थान निश्चित स्थान पर नहीं होगा तब तक अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख अंग है। विद्यालय हमारी संस्कृतियों की देन है। विद्यालय में जो हमारी संस्कृति की रक्षा की जाती है, बालकों को हमारे नैतिक जीवन से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जिस प्रकार की हमें शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बालक का सर्वांगीण विकास करने का एक केंद्र माना जाता है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास होता है। बालक का संपूर्ण विकास का केंद्र कहिए तो विद्यालय ही है। विद्यालय वह केंद्र है, वह राष्ट्रीय धरोहर है, वह सांस्कृतिक का केंद्र है जो हमारी परंपराओं और साथ ही साथ बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उसको हमेशा हमारे दैनिक जीवन से तथा विद्यालय के नैतिक जीवन शैली से जोड़ कर दी जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना तथा अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि बालक को हमेशा समाज के अनुकूल शिक्षा दे तथा समाज के अनुकूल ही बालक की शिक्षा व्यवस्था को लागू करे, जिससे बालक का शैक्षिक वातावरण इस प्रकार का तैयार हो कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज के काम आ सके। जाहिर सी बात है विद्यालय संस्कृति का प्रमुख केंद्र होता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे बिंदु की, विशेष वातावरण की व्यवस्था। देखिए विद्यार्थियों, अगर विद्यालय नहीं होता तो हम विशेष वातावरण की व्यवस्था
नहीं कर पाते। विशेष वातावरण की व्यवस्था करने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। बालक के लिए विशेष व्यवस्था करना अर्थात एक ऐसा शिक्षा का केंद्र, ऐसे शिक्षा के केंद्र का निर्माण करना जिस एक स्थान पर बालक जाकर के निश्चित स्थान पर बैठने के बाद में बालक उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे जिससे बालक को व्यवहारिक गुणों के साथ साथ उसके सांस्कृतिक गुणों का भी विकास हो और विकास दर प्रतिदर चलता रहे। और इसके साथ एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है। वह वातावरण जिसके अंदर बालक रह कर के घुल मिल करके उस वातावरण के अनुकूल ढल करके अपने जीवन शैली में नए आयाम स्थापित कर सके। जब तक किसी विशेष प्रकार का वातावरण तैयार नहीं होगा तब तक बालक विशेष रूप से अपने स्वाभाविक तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमें विशेष वातावरण तैयार करना जरूरी है। विशेष वातावरण तैयार करने के लिए समाज में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक हमेशा शिक्षक विद्यालय के अंदर छात्र और शिक्षक, एक छात्र और दूसरा शिक्षक, इन दोनों के मध्य ही ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और जब इन दोनों के मध्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है तब बालक के विभिन्न गुणों और पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। बालक को समझने, सीखने, उसके मन की जिज्ञासा को जानने तथा उसके साथ साथ उसके विभिन्न शैक्षणिक और अशैक्षणिक गुणों के विकास के लिए एक व्यवस्था जो वैकल्पिक तौर पर और स्थायी रूप से की जाती है वो एक विद्यालय ही होता है। विद्यालय एक राष्ट्र की धुरी है। विद्यालय एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसे पशुवत बालक या मूर्ख बालक से एक सभ्य समाज का नागरिक बनाने का प्रयास करता है और ऐसे नागरिक का निर्माण करता है जो नागरिक किसी देश के धरोहर के रूप में, देश के विकास के रूप में, देश को नया आयाम देने के लिए, देश को नई प्रगति देने के लिए एक कार्यकर्ता है। इसीलिए विशेष वातावरण की व्यवस्था विद्यालय द्वारा करना बहुत ही जरूरी है। विद्यालय का वातावरण हमेशा बालकों के अनुकूल होना आवश्यक है। जब तक विद्यालय का वातावरण बालकों के अनुकूल नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यालय का वातावरण हमेशा बालकों के अनुकूल हो और शिक्षा का माध्यम हमेशा हमारी जो दैनिक बोलचाल की भाषा है उसके अनुकूल होना जरूरी है। जब तक हमारी दैनिक भाषा या मातृभाषा में बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती तब तक बालक उस शिक्षा के अर्थ महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें विद्यालय में ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिससे बालक का सभी तरीके से विकास संभव हो सके। उसके बाद विद्यालय का क्यों आवश्यकता पड़ी तथा हमारे जीवन में क्या महत्व, विद्यालय परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। देखिए, परिवार और विश्व दोनों शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। एक है परिवार, दूसरा है विश्व। विश्व और परिवार, परिवार विश्व, हम बात करते हैं विश्व और परिवार की। परिवार के द्वारा ही विश्व का निर्माण होता है। परिवार धीरे धीरे समाज को जोड़ेगा, समाज धीरे धीरे किसी राज्य को जोड़ेगा, राज्य धीरे धीरे किसी देश को जोड़ेगा और एक देश दूसरे देश के मध्य जिस शिक्षा प्रणाली से या जिस संस्कारों के माध्यम से आपसी संयोग होता है या सामंजस्य बैठता है वही विश्व को एक माला में जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। अपन देखते हैं कई देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध होते हैं और कई देश ऐसे होते हैं जिनके मध्य अच्छे संबंध नहीं होते। अच्छे संबंध नहीं होने का उनके पीछे कई कारण होते हैं। वहाँ की जनता, वहाँ के शासक उनको इस प्रकार के शैक्षिक वातावरण में शिक्षा दी जाती है कि वो बड़े होने के बाद में भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं।
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विश्व को एकता के छत्र में बांधने के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्व है। बिना शिक्षा कोई भी देश या कोई भी विश्व का देश एकता के छत्र में नहीं बंध सकता है, क्योंकि परिवार से ही शिक्षा की शुरुआत होती है और परिवार में ही बालक को जब सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित, विश्व प्रेम से संबंधित, साथ ही साथ अपने नैतिक कर्तव्यों से संबंधित से जब शिक्षा दी जाती है, तब बालक आपस में एक परिवार के रूप में सामंजस्य स्थापित करता है। परिवार में उन प्रयोगों को सिद्ध करने के बाद में बालक दूसरी स्थिति में हमेशा परिवार के अलावा वह इस बात से जोड़ने की बुद्धि रखता है कि परिवार के साथ साथ समाज में भी उसके गुणों तथा उन्हें सीखी हुई बात का दूसरों के ऊपर कास कर सके। अगली बात है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास, देखिए सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य है कि हमें प्रत्येक के साथ में सामंजस्य बिठा कर चलना होता है। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आपसी तालमेल अर्थात सामंजस्य बैठा कर नहीं चलते हैं, तब तक हम किसी भी देश की कोरी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक कार्य करने से पूर्व हमें एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी, तब तक हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, और जब आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, तब तक व्यक्तित्व विकास होना असंभव है। व्यक्तित्व विकास के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य की भावना होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस सामंजस्य या व्यक्तित्व विकास की प्रारंभिक स्थिति परिवार और द्वितीय स्थिति विद्यालय होता है। विद्यालय में गुरुजनों के माध्यम से जब बालकों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, बालकों को इस प्रकार के संस्कारों से जोड़ा जाता है, तब बालक सीखते हैं, और सीखने के बाद में उस व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व में जिस भावना से उनमें परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों को समाज तथा राज्य के रूप में और देश के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, जिससे उनसे प्राप्त शिक्षा ग्रहण की हुई शिक्षा का सही स्थान पर सदुपयोग हो सके। अगली बात है जीवन की जटिलता से परिचय। देखिए विद्यार्थियों, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, तब जीवन में क्या सरल है क्या जटिल है इसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो इस जटिलता और सरलता से रूबरू नहीं होता है, तब तक उसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो पहली महत्वपूर्ण बात होती है जीवन की महत्वपूर्ण जटिलताओं से व्यक्ति का परिचय होना, उन व्यक्तियों को समझना, समझने के बाद में उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना, जिज्ञासाओं को शांत करने के बाद में व्यक्ति के कौन कौन से ऐसे जीवन के जटिल कार्य हैं, उन जटिल कार्यों को किस प्रकार सरलता से निपटाया जा सके तथा प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए, यही जीवन की जटिलता से सरलता तक पहुंचने का एक सतत प्रयास है। और जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों और गुणों को सीख लेता है, उसे सरल करने के लिए प्रयास कर लेता है, तब उसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामान्य सी लगने लगती है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन में हमें कभी भी इस बात से अवगत रहना जरूरी, इसलिए हमें इस चीज़ से अवगत होने का शिक्षा के माध्यम से ही प्रयास होता है, और शिक्षा के माध्यम से ही इस प्रकार का वातावरण तैयार होता है। वातावरण तैयार करने के लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है। और अब आप देखिए इन जटिलताओं को समझने के लिए अपन कौन कौन से प्रयास करेंगे और क्या क्या प्रयास होने चाहिए। पहला है सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, दूसरा विशेष वातावरण की व्यवस्था ही विद्यालय करता है, तीसरा परिवार तथा विश्व को जोड़ने की कड़ी भी विद्यालय है, और चौथी बात सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी विद्यालय के माध्यम से होता है, और जीवन की जटिलताओं से परिचय भी विद्यालय करवाता है।